नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में है सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग दूसरा। दोस्तों, भाग एक मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणक के नियम का प्रयोग किसके किसको बनाने के लिए किया जाता है, किसको बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है जनित्र को बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किसके माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी, किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। तो इसका आंसर दोस्तों लोहा में होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोधित किया जाता है या किस भाग को नेत्रदान किया माना जाता है। इसका आंसर दोस्तों कानिया। दोस्तों, आँख का कानिया भाग है जो दान किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। इसका आंसर दोस्तों कांच के बीच से जाते न्यूनतम हो जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्ण विवरण उत्तम मापी किसके सिद्धांत नियम पर आधारित है, किसके सिद्धांत के नियम पर आधारित है। तो इसका आंसर है स्टीफन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लघु समय अंतरालों को सही करने के लिए कौन सी घड़ियों का प्रयोग किया जाता है, अति लघु समय अंतरालों को सही करने के लिए कराने के लिए कौन सी घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित या प्रस्तावित किया गया था। इसका आंसर है हाई गेंस के द्वारा किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक हास पावर कितने वाट के बराबर होता है। इसका आंसर है 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किसके माध्यम से आती है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किसके माध्यम से आती है। तो इसका आंसर है विकिरण प्रकार के संचार के माध्यम से, विकिरण। इसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है। इसका आंसर है यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है। तो इसका आंसर है यह 40 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके परिवर्तन के कारण निकलती है। इसका आंसर है यह द्रव ऊर्जा के कारण निकलती है। अगला प्रश्न है, जल सर्वोच्च विशिष्ट किसका मान होता है। इसका आंसर है ऊष्मा का होता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो न्यूटन ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है। इसका आंसर है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, उत्तर लेंस का प्रयोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगें
किस प्रकार की तरंगें हैं? प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं? तो यह अनुप्रस्थ तरंगें हैं, अनुप्रस्थ तरंगें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु के दिनों में हम साफ मौसम के होने पर ज़्यादा क्या महसूस करते हैं? दोस्तों ठंडा महसूस करते हैं, क्या? ठंडा महसूस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासरप तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? सीटी बजाकर किसने उत्पन्न किया था? तो गाल्टन ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युतीय चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? इसका आंसर है मैक्सवेल ने की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्यूरी रेडियो एक्टिव किस की इकाई का नाम है? क्यूरी रेडियो एक्टिव किस की इकाई का नाम है? तो इसका आंसर दोस्तों यह धर्मिता की इकाई का नाम है, क्यूरी रेडियो एक्टिव। इसके बाद अगला प्रश्न, फोटोग्राफी कैमरे का फिल्म विभाग किसकी तरह कार्य करता है? किसकी तरह कार्य करता है? आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। इसके बाद अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? यह हवाई जहाज का आविष्कारक कौन है? तो उसका नाम है राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगला नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 यही इसका होगा, इक्यावन से स्टार्ट, यानी कि अब दो भागों में 25-25 हर भाग में प्रश्न लिए गए हैं, अगले पार्ट में 51 से 75 तक होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।